एक एक फ्रेज है जो मैं यूज करता हूँ, कपल हु प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट। सो टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज सेव योर मैरिज डूड। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट जो लोग रिलेशनशिप में हैं और वो बोर हो चुके हैं या फिर वो मैरिड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा, चाहे तो मैं 10 साल क्यों ना हो गए हूँ। दो चीज़ें तुम्हें बताऊंगा मैं, दो चीज़ें, और ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। तो वीडियो के एंड तक रुके रहो, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? और अगर तुम्हारी मैरिज नहीं हुई है तो तुम सीख लो कि भाई मैं भी इस सिचुएशन में कभी ना कभी तो पहुंच जाऊंगा। मैं स्टार्टिंग से ऐसा बन के चलूंगा जहां पे मुझे इस सिचुएशन में पहुंचना ही ना पड़े, क्योंकि मैंने वीडियो देख रखी है। आई ऑल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर यू टूडे। आज क्योंकि ये मैरिज का कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट मैरिड, बट उस चीज़ को स्पेसिफिकली डील करने के लिए मैंने अपने पापा को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज़ है। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें थोड़ी सी मेरी भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ रियलिटी में, ठीक है? फिर मैं डायरेक्टली वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके अपने पापा के साथ इंटरव्यू करूँगा, एक बहुत मज़ा आएगा, देखना। हाई जसकरण, आई एम लविंग योर वीडियोज मैन, स्पेशली द लास्ट वन, द आर्ट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट। इट वॉज सो माइंड ब्लोइंग एंड आई ओपनिंग दैट वी कैन नेवर थिंक अबाउट और वी डोंट फाइंड इट एनी वेयर ऑन द इंटरनेट। येस, दीज थिंग्स आर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट एनी वेयर। इट इज़ फनी आई एम रीचिंग आउट टू यू, बट जेन्युइनली आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन इट। सीइंग योर वर्क, इट सीम्स यू रियली नो वॉट यू टॉकिंग अबाउट, जस्ट वॉन्ट योर परस्पेक्टिव ऑन इट। इट हैज़ बीन 2 years सिंस माई मैरिज। आई एम 31 years ओल्ड इंजीनियर वर्किंग फ्रॉम होम इन अ कंपनी। आई मेट माई वाइफ इन कॉलेज एंड वी फेल इन लव विद ईच अदर। वी वर इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम द पास 4 years बिफोर मैरिज, सो शी वॉज काइंड ऑफ माई सोल मेट। एवरी थिंग वॉज ग्रेट, एवरी थिंग इज ऑलवेज ग्रेट बिफोर मैरिज, राइट? बट आई टेल यू द रीजन एंड आई ऑल्सो टेल यू जस्ट श्योर शॉर्ट। कोई स्पिरिचुअल बुलशिट नहीं, कोई माइंड सेट बुलशिट नहीं, कुछ नहीं। लिटरली तुम्हें मैं दो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा एंड यू कैन सेव योर डेड मैरिज और विच इज गोइंग टू बी डेड इन नियर फ्यूचर एंड यू कैन फील इट विच दिस गाय इज फीलिंग। इट्स जस्ट दैट रिसेंटली, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आई कैन नोटिस दैट देर हैज स्टार्टेड डेवलपिंग सम टेंशन बिटवीन अस। इट्स नॉट दैट वी नेवर फॉट बिफोर, बट दिस फील्स टोटली डिफरेंट। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से, बट आई सी अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन हर इमोशनल बॉन्डिंग एंड वी डू नॉट कम्युनिकेट द वे वी यूज टू। आई डिडंट वॉन्ट टू से द वर्ड्स, बट दिस इज द ट्रूथ दैट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल बोरिंग, इफ यू नो वॉट आई मीन। आई अंडरस्टैंड एंड आई टेल यू द रीजन फॉर इट एंड आई ऑल्सो टेल यू वॉट इज द श्योर शॉर्ट सोल्यूशन। देर आर ओनली 2 things यू हैव टू डू, लाइक अ रिचुअल एंड यू विल गोइंग टू गेट दैट स्पार्क बैक इन योर लाइफ, आई प्रोमिस। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन 1 line, इट्स लाइक आई एक्चुअली हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ हजबेंड हु हैज बीन इन मैरिज फॉर 15 years ऑलरेडी एंड फॉरगॉट अबाउट हाउ इट यूज टू फील वेन आई वॉज जस्ट हर बॉयफ्रेंड। इज दिस नॉर्मल और is there something wrong with me? Is there something I can do about it? Or it's just life? Please provide your valuable suggestions. Thanks in advance. First of all, there is nothing. There is no such thing as it's just life. No. It's just an average life. You have to make the difference. It's not life. Life has so many things to give to you that you don't even realize your own capabilities. It's like मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 19-20 साल की उम्र में ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि मैं तो इंट्रोवर्ट ही हूँ, तो तुम 80 साल तक भी इंट्रोवर्ट ही रहते हो। वो 19-20 साल में ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं तो मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे तो पार्टी करनी है, मुझे नहीं पता। तो चाहे उनको जितनी भी सुस्ती पड़ रही हो, उन्होंने वो करना ही है जो वो करके छोड़ेंगे। तो इट्स नॉट द सिचुएशन, इट्स जस्ट द मीनिंग व्हाट यू गिव टू दैट पर्टिकुलर इवेंट व्हिच विल चेंज योर लाइफ। Life does not give you anything. It's just what you want to take. What meaning do you derive? वही heartbreak किसी को suicide करने पे मजबूर कर देगा, वही heartbreak किसी की जिंदगी बदल देगा, ठीक है? दो चीजें हैं। पहली चीज, तुम्हें जो लग रहा है ना तुम्हारी relationship problem है, वो actual में relationship की problem ही नहीं है। तुम्हें जो लग रहा है relationship boring होगा, relationship का बच्चा है, कुछ नहीं है। relationship boring इंसान होते हैं जो उस relationship में होते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच इज नॉट इवन रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, ये क्या बोल रहे हो? इट इज योर हेल्थ। ट्रस्ट मी, इफ यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर नेकेड,
अपने आप को ही मिरर में देख के तुम ऐसी कोई फीलिंग आती है जहां पे तुम अपने अपनी बॉडी को ही अप्रिशिएट कर रहे हो? तो मेरी एक बात बताओ, शादी के बाद डिफरेंस क्या हो जाता है शादी से पहले और बाद? शादी से पहले क्या होता है, तुम अपने आप को ना मेंटेन करके चलते हो कि भाई मुझे शादी करनी है, तो क्या हो गया कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा जब शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद फोटोज आएंगी, फोटोज में लड़का वाला लड़की तोंद निकाल के बैठी है, स्पेशली लड़कियां, वो अपने आप को मेंटेन, जैसे शादी के बाद हुई वो बिल्कुल ही भूल जाती हैं सारी एक्सरसाइज, सब कुछ करना, तो उनको लगता है कि भाई ये इंसान मुझे छोड़ के तो जाने वाला है नहीं ना, तो लेट्स सिट बैक, रिलैक्स, ईट पिज्जा एंड वॉच क्रिकेट और फुटबॉल एवरी डे, दिस इज आवर लाइफ, अपना काम करो, उसके बाद मस्ती मारो, दारू पियो और वाइफ से एक आधी बात कर लो, बस हो गया, यही मैरिज है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि दिस इज नॉर्मल लाइफ ऑफ एवरीवन अराउंड यू, एवरेज पीपल, इफ यू रियली वांट अ क्रीम रिलेशनशिप यू नीड टू डू एक्स्ट्रा स्टफ। वो क्या, जो जो तुम्हारे सामने ये जानवर है ना, ये जानवर कौन सा है सर? ये जानवर, मैं पेट को जानवर बुलाता हूँ, मॉन्स्टर बुलाता हूँ। किल द मॉन्स्टर व्हेन इट्स अ लिटिल बेबी, अदरवाइज वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाए तो बहुत दिक्कत होगी, चाहे तो मैरिड हो चाहे ना हो। ये जो जानवर है ना, जो पेट इतना बड़ा, ये एक बीमारी है। तो तुम्हें लग रहा है ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट सेम थिंग ना, तुम अपने आप को मिरर में देखते हो अगर तुम्हें लगता है कि मजा नहीं आता, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी ऐसे डल सा हो गया सुबह सुबह ही अपने आप को देख के, तो द फर्स्ट पर्सन यू मीट इज योर वाइफ, तो तुम उसके साथ भी उसी एटीट्यूड से, तो तुम्हारा वो मूड खराब तुम्हारी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन में ही दिखेगा, सबकॉन्शियसली तुम्हारा रोज ही मूड खराब होता अपने आप को देख के, ठीक है? तो नंबर वन सोल्यूशन इज अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ मतलब तुमने चैलेंज देना अपने आप को कि भाई मेरा जो पेट है ना, मैंने उड़ा के छोड़ना है जब तक ये लॉकडाउन खत्म ना होता। तो दिस इज अ टाइप ऑफ थिंग विच यू हैव टू डू अलॉन्ग विद योर वाइफ, यू हैव टू टॉक टू हर अबाउट इट। अगर तुम दोनों वेट पुट ऑन कर रहे हो दोनों एक साथ, अरे एक बंदा एक होता है, एक और एक 11 बन सकते हो अगर तुम उसको, उस इक्वेशन को सही तरह समझ जाओ। तुम एक दूसरे को इतना मोटिवेट कर सकते हो ना कि मुझे तो रिचुअल की तरह रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम अपने पाठ पूजा करते हो ना रोज, तुम अपने पाठ पूजा को मिस कर दो या उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, मुझे नहीं पता, मुझे तो 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी ही करनी है और अपने वाइफ के साथ करनी है। जिस दिन तुम अपने आप को चैलेंज ही नहीं करोगे ना कि भाई आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी, अगर तुम एक दूसरे को देख के सेक्सी ही नहीं फील करते ना, तो फालतू स्पिरिचुअल बातों का कोई फायदा ही नहीं। दिस इज द मोस्ट टेंजिबल रियल थिंग विच यू वर बॉर्न विद। इफ यू कांट इवन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इफ यू कांट इवन अप्रिशिएट, इफ यू कांट फॉल इन लव विद योर ओन बॉडी, यू विल नेवर फॉल इन लव विद एनी अदर पर्सन, और तुम्हारा रिलेशनशिप डाउनफॉल ही होने वाला है। कोई मैगी पकौड़े शकौड़े मौसम जैसा मर्जी हो, खाने ही नहीं। और ये चीज 3 महीने तक करके दिखाओ मुझे, 3 महीने तक, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारी लाइफ पलट नहीं गई ना, तुम्हारा रिलेशनशिप, मैं लिटरली वीडियोस बनानी छोड़ दूंगा, चैलेंज देता हूं मैं तुम्हें 3 महीने तक ये करके दिखाओ, अपना पेट को कम करके दिखाओ, चैलेंज ले लो, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो और अपनी वाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करो। इट्स लाइक कोई बंदा 3 महीने पहले तुम्हें देख रहा है और 3 महीने बाद देख रहा है, वो उसका दिमाग खराब हो जाए, कैसे कपल है भाई ये। जिस दिन तुम ये कर लोगे ना, तुम्हारी 90% बातें जिनकी वजह से तुम फाइट करते हो खत्म हो जाएगी, बाकी 10% कैसे करनी है वो दूसरा सोल्यूशन है। और तब तक मत रुकना जब तक तुम अपने आप को मिरर में देख के अप्रिशिएट नहीं करते कि भाई कमाल है यार। दूसरा सोल्यूशन है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स उस दिन से शुरू हो जाती हैं जिस दिन तुम उसको अपनी वाइफ कंसिडर करने लग जाते हो। वाइफ कंसिडर करने का मतलब ही होता है कि तुम एक ऐसी एंटिटी उसको कंसिडर करने लग जाते हो कि वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। अब तो भाई इंडिया है, यहां पे नहीं होता कुछ भी, यहां पे तो कोई नहीं छोड़ता, यहां पे तो लड़ेंगे मरेंगे साथ में ही रहेंगे। तो पता क्या इस चीज में प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स लाइक तुम्हारे मन में ना उसको खोने का डर ही खत्म हो जाता है। तुम्हारे मन में ना तुम उसके लिए, उसको अपने पास रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते ही नहीं जो तुम उसके बॉयफ्रेंड थे तब करते थे। तो वंस यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर वाइफ योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। एज अ बॉयफ्रेंड याद करो तुम क्या क्या करते थे, तुम ना उसको सरप्राइजेस देते रहते थे, और जब भी तुम्हें वो मिले तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव होता था, उसको हंसाना है मुझे, उसको स्माइल करवाना है मुझे।
लेकिन ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है जब कोई इंसान लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल 60 साल के लिए तुम्हारे साथ ही रहने आ गया। अब क्या करना है रोज रोज हंसा के? तो तुम्हारा माइंडसेट ही शिफ्ट हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा बना लो कि नहीं 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 नहीं, जब तक हम मरते नहीं, मरते दम तक इसको हंसाता रहूंगा मैं। यू आर द मैन ऑफ द हाउस। इफ यू टेक दिस चैलेंज, इफ यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स व्हिच एवरेज पीपल आर डूइंग, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव एन एवरेज रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट मी, आई ओनली हैव टू कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप व्हिच इज गुड एंड रिलेशनशिप व्हिच इज अ शिट। एंड एवरेज रिलेशनशिप कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ शिट फॉर मी। There is no passion, there is no love. The couples don't hold their hand. It's like ऐसा लगता है कि 3-4 साल की शादी में ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने 15 साल हो गए हैं शादी को। लड़कियां बहुत curious होती है। Girls are like cats, they are very curious, they are curious creatures. But तुम उसके लिए कोई curiosity छोड़ते ही नहीं ना। तुम open book को, तुम यही हो, बस तुम अपने आप को कभी change नहीं करोगे। तो क्या होगा, एक time पे वो तुम्हें इतना figure out कर लेगी कि वो इतना predict कर सकती है कि तुम अगले sentence क्या बोलने वाले हो। तो ऐसा नहीं बनना। गाइज आर मेंट टू बी मिस्टीरियस, गर्ल्स आर मेंट टू जस्ट चेज देम। तो करना क्या है, ऐसी कोई चीज करनी है जो मैंने या मेरी वाइफ ने कभी सोची ही नहीं करने को। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग ट्रूवलिंग करना पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, अब बहुत हो गया यार नाटक, 6 महीने बाद मैंने वो टिकट्स बुक कर दी, चल आ जा, बैग पैक करो, निकलते हैं। दिमाग उड़ जाएगा उसको, उसको लगेगा कि मैंने तो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे। 2 साल बाद अब तुमने ट्रैवल कर लिया, चल मैं अब कभी हाइकिंग नहीं करता, चल 6 महीने बाद हाइकिंग करने चलते हैं। ठीक है, जिस दिन तुम अपने आप को ही चेंज करने लग जाओगे ना धीरे 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 धीरे, और उसको ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देने लग जाओगे जहां पे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती, तो उसको हमेशा यही लगेगा मैं इस बंदे को फिगर आउट ही नहीं कर पाई कभी। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बैठ जाओगे और तुम्हें लगेगा रिलेशनशिप हैज इट्स ओन कोर्स टू रन, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो रिलेशनशिप इज नॉट इन इट्स ओन अ थर्ड एंटिटी, इट्स जस्ट व्हाट वी मेक ऑफ इट। एक चैलेंज ले लो, मुझे रोज रोज उसको 5 बार हंसाना ही हंसाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बिजी हूं, कितनी भी मीटिंग्स में हूं, मुझे उसको 5 बार हंसाना ही हंसाना है रोज, संडे भी ऑफ नहीं मिलेगा। ये चीज 3 महीने तक करके देखो, चाहे मेरे पास जोक ना हो, गुदगुदी करनी पड़े मुझे कुछ भी, इफ आई नीड टू पिक हर अप, आई पिक हर अप, आई मेक हर लाफ, आई मेक हर स्माइल 5 times इन अ डे। जिस दिन ये चैलेंज ले लोगे, भाई मैं मर दूं घर का और मैं अपने आप के इमोशन नहीं इसके भी देखूंगा, तो भाई इसको क्या फील हो रहा है। नेवर be satisfied and complacent in a relationship जहां पे अब तो मिल गई, अब कहां छोड़ने वाली है। जिस दिन तुम्हारा ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा डर ही खत्म हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा डर रहेगा ना, तुम उसको ट्रीट ही अपनी गर्लफ्रेंड की तरह करने लग जाओगे। और ये मेरे पेरेंट्स ने खुद किया है, मेरे पापा ने ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है। 4 महीने में उन्होंने कम से कम 25 kg वेट कम किया है। इट्स लाइक He literally surprised my mom, और उनको लगने लग गया कि मैंने तुम्हें ऐसे तो पिछले 20 साल से नहीं देखा। And I can see the difference in their relationship. They are like holding hands, they are talking romantically. वो रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उतने खुश लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं जैसे वो पहले थे। और ये कोई रिलेशनशिप के लिए नहीं कर रही, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं आसपास। ट्रिप प्लान करो, उसको मत बताओ, उसको सिर्फ सरप्राइज दो, मैंने टिकट बुक कर दिया, अगले हफ्ते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सरप्राइजेस जब तक तुम दोगे नहीं उसको, मैं 5 बार उसको हंसाना है, मुझे हर हफ्ते उसको एक ना एक दिन उसको रोमांटिक डेट पे लेके जाना है, मैं मुझे वैसे बिहेव करना है जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड था, वैसे बिहेव करता था। वो मन नहीं कर रहा ना, तुम्हारे मन की ऐसी की तैसी, ये चैलेंज है तुम्हारा। इफ यू डोंट वॉन्ट योर रिलेशनशिप टू एंड, You need to start doing the things which you used to do in the starting of the relationship, and there won't be any end. All right? तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिनको हम घर पे पापा पापा बुलाते हैं। ठीक है? सारे बच्चे नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। तो सर, ये अपना रिलेशनशिप का चैनल है, आपको पता ही होगा। फिर तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, कोई अपने पास मेल आई है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि शादी में वो बोर हो चुके हैं। तो इसका मैंने एक पॉइंट से लिंक किया है कि जब तुम्हारा हेल्थ ही ख़राब है, तुम अपने बारे में अच्छा ही नहीं फील कर सकते, तो फिर तुम किसी और इंसान के बारे में अच्छा कैसे फील करोगे? क्या आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हो? देखिए, जो हेल्थ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जब तक आपका जो हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप रिलेशनशिप क्या मेंटेन करेंगे?
अपने बच्चों के साथ या अपने वाइफ के साथ। तो सभी रिलेशनशिप तभी हैं जब आपका अपने बॉडी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो आप कैसे हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। जो हेल्थी माइंड है दैट लिव्स एंड रिजाइड्स इन हेल्थी बॉडी। तो आपको बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका कि आप फिजिकली फिट हों, फिजिकली हेल्थी हों, तभी आप हैप्पी रहेंगे और चारों तरफ वाइब्रेंट माहौल रहेगा। तो सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि भाई जो लोग रिलेशनशिप के बारे में लड़ते रहते हैं और बहुत लड़ाइयाँ करते रहते हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि वो लोगों से कैसे बात करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, अगर किसी की ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, कोई ड्रिंक करता है, तंबाकू खाता है या स्मोकिंग करता है, जैसे कहते हैं कि जैसे खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, तो उसके खाने का जो है उस पर उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका जो जो जैसे ड्रिंक जो लोग करते हैं वो घर पे झगड़ा करते रहते हैं, बच्चों के साथ भी ट्यूनिंग नहीं रहती, पैसा भी खर्च कर देते हैं, बच्चों के लिए दूध आए ना आए लेकिन शराब की बोतल जरूर घर पे आएगी। तो इस तरीके से इसका तो सब सारी दुनिया जानती है कि ड्रिंक का कितना बड़ा बैड असर है। उसके अलावा अगर बंदे का मोटापा ज़्यादा है, वो ज़्यादा फैटी खाता है या मीठा ज़्यादा खाता है, शुगर, गुड़, इस तरह की चीज़ें, मिठाई, तो मोटापा आने से उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये सब मेडिकली जानते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, चलने में उसको फिटनेस नहीं आती, तो वो अपने शरीर से इतना दुखी होता है कि हर एक से झगड़ा करता रहता है, एंगर रहता है। तो अगर बॉडी बिल्कुल फिट है तो बंदा खुश रहता है, मस्त रहता है। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पापा ने यहाँ पे 96 से 70 केजीज वेट किया है। इन्होंने ऑलमोस्ट 26 केजीज वेट कम किया है इन दिस लॉकडाउन ओनली, और पिछले 4-5 महीनों से। और मैं इनके इनके जो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जो भी जैसे भी ये रोज़ रोज़ बात करते थे, जितने भी इनके इमोशंस हैं अपनी वाइफ को लेकर, मैम को लेकर, तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंज मैंने नोटिस किया है। ऑब्वियसली मैं तो चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे कहीं से भी बोल देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से ही सीख के बताता हूँ चीज़ें। कुछ भी अगर कोई और हेल्थ टिप्स चाहिए आप लोगों को कि कैसे वेट किया, क्या किया, क्या पापा ने बहुत रिसर्च कर रखी है इस चीज़ के ऊपर, इनका एक और भी चैनल है निरोगी काया, तो उस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो है कि उन्होंने वो 96 से लेके 70 की जर्नी कैसे रही और वो क्या करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक एक फ्रेज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, कपल हु प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो आपको मैंने नोटिस किया है, आप और मम्मा सुबह उठ के रोज़ 6 बजे उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो जब से वो आप करने लग गए हो एक एक घंटा साथ में एक्सरसाइज रैदर देन अलग अलग, उससे क्या इम्पैक्ट आया है, क्या आपके रिलेशनशिप पे कुछ इम्पैक्ट आया? अगर आपके हेल्थ बनाने के लिए आप जो फैमिली में रिलेशनशिप में आप वाइफ के साथ, तो नेचुरली वाइफ जो है वो आपकी फ्रेंड भी होती है, अगर आप उनके साथ खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप और कोई गेम जो आपको अच्छी लगती है वो खेल सकते हैं, या आप सैर इकट्ठी कर सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की हेल्थ बनेगी, उससे आपके ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छी होगी और दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट हो जाती है और आप बेटर फील करते हैं। तो मतलब जो लोग बोलते हैं जो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे फिर शादी हो जाती है, तो ऐसा वो ना अपना बिहेवियर में चेंजेस कर लेते हैं, तो उनको एफर्ट कभी ख़त्म नहीं करने, उनको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी ही है, अपनी वाइफ को डेट पे लेके ही जाना है, चाहे मरते दम तक उसको स्माइल करवाना है, हंसाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर ये जो है आप अगर आप चाहेंगे कि हंसाने की बात है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो नेचुरली ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी चीज़ें। अगर आप हेल्थ मेंटेन नहीं करेंगे तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, तो आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी वाइफ की तरफ से, तो वाइफ के तरफ अगर अट्रैक्शन रखनी है तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज और गुड डाइट, ये एंटी एजिंग है, आपको किसी कैप्सूल या गोली खाने की जरूरत ही नहीं। आप इस तरह कैसे हेल्थ मेंटेन करें, आप बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं, आप यंग कपल रहेंगे। थैंक यू सो मच पापा। चलो सर, ओके, सी यू। थैंक यू।